नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं करेले का भरवा रेसिपी। तो ये भरवा रेसिपी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, जो हमारे यहाँ पे गाँव में एकदम देसी तरीके से बनाया जाता है, वही वाला मैं आज बनाने वाली हूँ। और इसको बना करके आप 2-3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ये रेसिपी हमारे गांव में जिस तरह से भरवा करेला बनाया जाता है शादी विवाह में, उस तरह से मैं आज बना करके आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, करेला हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, आप इसको किसी भी बहाने से खाइए, आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो ज़रूर खाइएगा बना करके। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने करेले वाले खेत में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भरवा करेला में बनाया जाता है वही वाला करेला मैंने यहाँ पर लगाया है। करेले की क्वालिटी भी होती है, एक लंबा वाला करेला होता है, और ये देखिए जो भरवा करेला बनाते हैं वो यही वाला करेला मैंने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे देख करके हम जितने बड़े वाले करेले हैं वो हम काट करके ले लेंगे। तो दोस्तों, जब सब्जी की खेती बहुत अच्छी होती है तो मन भी बहुत खुश होता है। तो ये देखिए, हमारा करेला बहुत ही अच्छे से फरने लगा है। तो इसी तरह से हम सारे करेले जितने भी बड़े वाले हैं वो काट करके दौरी में रखते जाएंगे। तो दोस्तों, करेले का बेनिफिट तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सेहत के लिए कितना बढ़िया होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो करेले की रेसिपी आपको जिस तरह से भी अच्छी लगती हो उसको बना करके खाइएगा। तो यहाँ पे जगह जगह करेला है, तो वहाँ पे देख करके हम तोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे करेले तोड़ करके ले लिए हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, करेले को हमने धो करके अच्छे से साफ कर लिया है। तो जितना ज़रूरत है बस हमने उतना ही करेला लिया है, बाकी हमने मंडी में भिजवा दिया है। तो इस करेले में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं है, तो ये देखिए इसका छिलका हम बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे। इसको इसी तरह से हम इसके दोनों साइड को काट लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से काट करके इसको बीच में से ही कट लगाएंगे, जिस तरह से भरवा करेला बनाया जाता है वैसे ही इसमें बीच में से कट लगाएंगे। यदि इसमें बीज होंगे तो इसको निकाल देंगे, अगर नरम बीज रहेगा तो हम रख देंगे। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही नरम बीज है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। और इसके ऊपर का मैं छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारूँगी, मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। इसी तरह से जितने भी करेले हमने यहाँ पे लिए हैं उसको साइड से कट लगाएंगे और बीच में से कट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें कड़ा है बीज, तो इसको हम निकाल देंगे। तो कड़े वाले बीज हम निकाल देंगे और नरम वाले छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम सारे करेले को काट करके उसको तैयार करके रख देंगे। तो हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है और आग को भी जला लिया। इसमें डालेंगे जीरा, और यहाँ पे ले लेंगे मंगरेल, और यहाँ पे 1 चम्मच हमने मेथी ले रखी है, और यहाँ हमने ले रखा है गुर्राई, और यहाँ पे हमने ले रखा है साबुत धनिया। तो साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच है, और बाकी सारी चीज़ें 1-1 चम्मच है। और यहाँ पे हमने सौंफ ले रखी है, काली मिर्च है, 2 लौंग है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे, एकदम धीमी धीमी आँच पर हमें इसे भूनना है। तो भरवा करेले में ये मसाले बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसको इसी तरह से आप हल्का सा भून लीजिएगा, फिर इसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने मसाले को भून लिया है, आप देख भी सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये जो भुने हुए मसाले हैं इसको हम रखेंगे सिलबट्टे पर, और इसको हम पीस लेंगे। एकदम महीन सा हमें पीस करके इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मसाले को किस तरह से पीसा हुआ है, बस इसी तरह से आपको बारीक मसाला पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ मसाले को हमने पीस लिया है, इसको उठा लेते हैं प्लेट में। और यहाँ ले रखा है हमने अदरक, तो अदरक हमने 1 बड़ा टुकड़ा ले रखा है, और यहाँ पे ढेर सारा लहसुन ले रखा है। तो आपको ढेर सारा लहसुन ही लेना है जब भी आप भरवा करेला बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अदरक को हम कूच करके अच्छे से सिलबट्टे से इससे कूचेंगे, और बहुत ही अच्छे से इसको हम पीस लेंगे। तो जब भरवा करेले में लहसुन और अदरक पड़ता है तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ जो हमने मसाले पीसे हुए हैं इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, और यहाँ डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो सारा हम इसमें डाल देंगे।
अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा डालिएगा नमक, जिससे आपका भरवा करेला 2-3 दिन तक चले। और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अब हम मिला लेंगे। तो अब इसको हम भरेंगे, तो एक करेला उठाएंगे और जो मसाले हमने तैयार किए हैं इसके अंदर इस तरह से भरेंगे, जो हमने काट रखा है करेला वहीं पे, और इस तरह से अच्छे से दबा करके रखते जाएंगे। और ये देखिए, इसी तरह से हम एक एक करेला उठाएंगे और मसाले को अंदर अच्छे से भरेंगे। मसाला हमें इतना भरना है ताकि इसमें से गिरे नहीं, बस उतना ही हमें इसमें मसाला भर करके रखना है और इस तरह से दबा देना है। इस तरह से हम सारे करेले भर करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे भरवा करेला हम इसी तरह से भर करके तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ चूल्हे पे हमने फिर से कढ़ाई रख दी है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसे गर्म कर लेंगे। तो सरसों के तेल में ही आप भरवा करेला जब बनाएंगे तो स्वाद उसका बहुत ही बढ़िया आएगा। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसमें अब डाल देंगे भरवा करेला, जितना भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है सारा हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमने सारा भरवा करेला यहाँ पे डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसको उलट पलट देंगे थोड़ी देर पकाने के बाद। ये देखिए, इस तरह से जब हम पलट देंगे तो सारे करेले में तेल लग जाएगा और बहुत ही बढ़िया से ये धीरे धीरे पकेगा। और यहाँ पे हम इसका ढक्कन लगा देंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे करेला एकदम बढ़िया से पक रहा है, और भाप से भी हम इसको पका रहे हैं ताकि ये बहुत ही जल्दी से पक करके तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं, भाप से भी पक रहा है और वैसे भी तेल में भी, तो करेला एकदम बढ़िया से जल्दी से पक करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से अब करेला हमारा बहुत ही जल्दी पकने ही वाला है। तो जहाँ नहीं पका है उसको हम थोड़ा सा उलट पलट देंगे। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे भरवा करेला एकदम बन करके तैयार हो चुका है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे करेला जो भरवा हमने बनाया हुआ है बहुत ही लाजवाब लग रहा है, और ऐसे ही गांव में इसको बनाया जाता है इतने ही मसाले से, ताकि हमारा भरवा करेला 2-3 दिन तक चले। तो दोस्तों, हमारा ये भरवा करेला की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।